हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 2 कृष्णा एंड सुदामा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हमारा वार्मर है, डू यू हैव अ फ्रेंड, क्या आपका कोई दोस्त है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम और हर, यहाँ पे दे दिया है कि आप में और उसमें, आपके दोस्त में क्या कॉमन है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम और हर, आप उनमें क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए इसका आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। कृष्णा और सुदामा का जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर, कृष्णा और सुदामा दोनों साथ साथ पढ़े लिखे थे। कृष्णा वॉज रिच वाइल सुदामा वॉज पुअर, कृष्णा जो था वो अमीर था लेकिन सुदामा गरीब था। स्टिल, लेकिन फिर भी बोथ वर गुड फ्रेंड्स, कृष्णा अमीर होने के बावजूद भी सुदामा के साथ दोस्ती रखे हुए था, मतलब उन दोनों के बीच अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं था। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे हमेशा साथ ही साथ दिखते थे, वे हमेशा जहाँ कहीं जाते थे साथ ही साथ जाते थे। टाइम पास्ट, धीरे धीरे समय बीत गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्णा द्वारिका का राजा बन गया। बट लेकिन सुदामाज कंडीशन रिमेंड पिटिएबल, सुदामा की स्थिति दयनीय ही रह गई। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड, उसकी पत्नी और बच्चे को प्रायः बेड पर जाना पड़ता था। विदाउट मील्स वेरी ऑफन, और प्रायः बिना खाना खाए ही उसकी पत्नी और बच्चे को सोना पड़ता था। अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन सुदामास वाइफ सेड टू हिम, सुदामा की पत्नी से इस कंडीशन से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए उसने अपने पति से कहा, यू ऑलवेज टेल अस डैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड, आप हमेशा मुझे कहते हैं कि कृष्णा आपके दोस्त जो हैं वो द्वारिका का राजा है। वाई डोंट यू मीट हिम, आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं। एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, और आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगते हैं। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली, उसकी पत्नी का लगातार रिक्वेस्ट सुदामा को कृष्णा के पास भेजने पर मजबूर कर दिया। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, सुदामा कृष्णा को द्वारिका जाकर मिलने का निर्णय लिया। ही रेच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, वह द्वारिका में कृष्णा के राजमहल तक पहुंच गया। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स डैट ही वॉन्टेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, वह रॉयल गार्ड से पूछा कि ही वॉन्टेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, वो अपने दोस्त से कृष्णा से मिलना चाहता था। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, जो गार्ड थे वे उसके बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिए। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, उनको भरोसा नहीं हुआ कि इतना फटा हुआ कपड़ा में उसका कोई दोस्त उनसे मिलने आ सकता। दे डिड नॉट अलाउ हिम, वे उनको मिलने के लिए अलाउ नहीं किए। एट लास्ट वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, बहुत जिद करने के बाद उनमें से एक गार्ड सुदामा के बारे में कृष्णा को जानकारी दे दिए। कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हर्ड सुदामा'स नेम, जैसे ही कृष्णा सुदामा का नाम सुना वह दौड़ते हुए आया। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, वह कृष्णा सुदामा को गले लगाया और उसे राजमहल में आने की रिक्वेस्ट किया। ऑल वर एस्टोनिश्ड टू सी द किंग हगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स, जितने भी दरबारी थे दरबार में रहने वाले वे सभी उनको देखकर आश्चर्य हो गए कि कृष्णा इतना ज़्यादा महान राजा अमीर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति को फटे कपड़े में गले लगा रहा है। सुदामास वाइफ हैड गिवन हिम पर्च्ड राइस एज अ गिफ्ट टू कृष्णा, सुदामा की पत्नी सुदामा को भुनी हुई चावल दिए थे कि वो कृष्णा से मिलने पर उसको दे दे। बट लेकिन सुदामा वाज
हेजिटेंट, सुदामा को हेजिटेट हो रहा था, वह उसे चावल देने में शर्म महसूस कर रहा था। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, क्या यह एक राजा के लिए सुटेबल होगा। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य होने लगा। सो ही हाइड द पोटली ऑफ पर्च्ड राइस, इसलिए वह भुनी हुई चावल की पोटली को छिपा लिया। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, कृष्णा उसे छुपाते हुए देख लिया। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, वह इसे छीन कर खोल लिया। ही एंड हिज क्वीन एट द पर्च्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइट, कृष्णा और उसकी पत्नी दोनों बड़े मजे से उस भुनी हुई चावल को खाए। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा से उस राजमहल में स्वागत किया गया। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटिफुल क्लॉथ, उसे अच्छा अच्छा खाना और अच्छे अच्छे कपड़े दी गई। कृष्णा हिमसेल्फ क्रिएट अलॉट ऑफ फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, कृष्णा खुद से अपने दोस्त सुदामा की ज़रूरतों को पूरा किया। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। He wanted to tell Krishna, वह कृष्णा को बताना चाहा about his poor condition, अपनी गरीबी की स्थिति के बारे में। But his self-respect prevented him to from doing so, लेकिन उसकी self-respect जो थी वह उसे ऐसा करने से रोक रहा था। Finally, अंततः सुदामा returned home as soon as he was, जैसे ही सुदामा वहाँ से जितना जल्दी हो सका वहाँ से घर लौटा। When he reached home, जैसे हुआ घर लौटा, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. वह अपनी पुरानी झोपड़ी के स्थान पर एक नया राजमहल देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। He asked a man about the new and beautiful buildings. वह उस नई और सुंदर बिल्डिंग के बारे में एक आदमी से पूछा। The man replied that, तब वह आदमी बताया, it was Sudama's palace. यह सुदामा का घर था। सुदामा could not believe it, सुदामा को इस बात पे भरोसा नहीं हुआ। Seeing सुदामा standing outside the palace, सुदामा को उस राजमहल के बाहर खड़ा देख, his wife came, उसकी पत्नी आती है and took in, उसे अंदर ले जाती है। सुदामा became very happy, सुदामा बहुत खुश हो गया to see his wife, अपनी पत्नी को देख के and children in good clothes, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अच्छे कपड़े में देख के सुदामा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। Very soon, सुदामा realized that, बहुत ही जल्द सुदामा को रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि it was Krishna who had done all his while he was at Dwarika. उसे बहुत ही जल्द महसूस हो गया यह सुदामा का ही किया कराया है, जिसने मेरा वहाँ रहते हुए भी मेरी स्थिति सुधार दिया। सुदामा felt thankful to his friend, सुदामा अपने फ्रेंड कृष्णा को धन्यवाद करना चाहा फॉर हिज हेल्प, जो भी उसने मदद किया उसके लिए। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, और यहाँ कहा गया है सिर्फ एक दोस्त ही हो सकता है जो बिना बोले ही उसके अपने दोस्त की शब्द को समझ सके। अब यहाँ दिखाया गया है कि अडेप्टेड फ्रॉम द महाभारता, यह कहानी जो है महाभारत से ली गई है। यहाँ कहानी हो जाती है समाप्त। अगर इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।